वेलकम बैक स्टूडेंट। और आज हम देखने लगे फ्रिक्शन एंड मोशन ऑफ व्हीकल। से पहले हमने फ्रिक्शन पढ़ा था, वो एक रेजिस्टेंस को बोलते हैं, एक रुकावट को बोलते हैं। तो अभी हम इसमें देखेंगे जो मोशन ऑफ व्हीकल होता है, उसका जो टायर ही मैंने बनाया हुआ है, उसके अंदर हमारे पास किस तरह स्टैटिक, काइनेटिक और बाकी चीजों को भी डिस्कस करता हूँ। तो स्टैटिक हमें पता है, एक चीज को अपने आपको रेस्ट पे रखने की कोशिश करता हूँ। जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, गाड़ी के टायर रुकता है, तो वहां पर कौन सी हमारे पास फ्रिक्शन आ रही होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन आ रही होती है। और ये वाला पार्ट जो है ग्राउंड के साथ इंट्रैक्ट कर रहा होता है, और इंट्रैक्शन की वजह से यहाँ क्या हो जाता है, जो टायर होता है वो के साथ साथ क्या होता है, डिफॉर्म हो जाता है, उसकी शक्ल चेंज होने लग जाती है। फिर हम नए टायर लगाते हैं कुछ अरसे बाद, ऐसे ही है। तो ये क्यों हो रहा है, एक टायर क्यों रुकता है? स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से रुक जाता है। लेकिन बार दफा आपने देखा होगा गाड़ी बहुत तेज होता है, तब हम जब ब्रेक दबाते हैं तो तब की बार टायर रुकता नहीं है, ऐसा करके बल्कि स्किड कर जाता है। तो जब गाड़ी के टायर स्किड कर जाता है, देन वहां पे क्या रहता था, वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है, जिसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। बात आ गई समझ? तो इसका मतलब है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन थी वो ज्यादा थी ना, तभी तो टायर स्किड नहीं किया, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन थी वो कम है, तभी तो टायर स्किड कर गए। इनकी फ्रिक्शन कम हुई है तो टायर स्किड हुआ ना। तो मैं ये बात कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, जिसको हम Fs से लिखते हैं, वो हमेशा ज्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से। देखो ये कम होती है तभी गाड़ी क्या कर जाती है, स्किड कर जाती है, और ये ज्यादा होती है स्टैटिक फ्रिक्शन, तभी टायर क्या हो जाता है, जगह पे रुक जाता है। क्लियर हो गया दोनों का? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि जो स्पीड है, अगर तो गाड़ी की स्पीड में कहता हूं हमारे पास दो कंडीशन है, 100 किलोमीटर पर आवर थी, और दूसरी कंडीशन में कहता हूं 50 किलोमीटर पर आवर थी, और गाड़ी ने एकदम सडन क्या कर दिया, डीएक्सलरेशन ब्रेक दबाया, डीएक्सलरेशन हुई, तो दोनों में ही जो हमारे पास फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन जो स्किड करेगा, वो जो फ्रिक्शन की वैल्यू थी जिसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया था, वो क्या होता, म्यू के और एफ के डिवाइडेड बाय हम कर देते थे जो ऊपर वाली फोर्स लगती थी हमें यहाँ पे, नॉर्मल फोर्स जिसको हम एन से देते थे, ठीक है। तो हम इस पे क्या कर देंगे, नॉर्मल फोर्स के साथ इसको डिवाइड करते थे, तो हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाती है। अब फोर्स कर सपोज कर लो यहाँ पे जो मेरे पास स्किडिंग की जो फ्रिक्शन जो फोर्स लग रही थी, वो लग रहा था मेरे पास 20 लग रहा था, और जो नॉर्मल फोर्स जो नीचे से अपवर्ड लग रहा होता है, इसके वेट नीचे और नॉर्मल फोर्स आप ऊपर लग रहा था, वेट इज इक्वल टू एम जी, और नॉर्मल फोर्स ऊपर वो 10 लग रही थी, जस्ट सपोज। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, जो फ्रिक्शन थी वहां पे कितनी थी, वो 2 थी, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई 2 थी। तो अगर तो 50 किलोमीटर के भी रफ्तार से मैं जाऊं या 100 के साथ जाऊं, जो मेरे पास फ्रिक्शन की वैल्यू रहेगी वो 2 ही रहेगी, बेशक स्पीड जैसे मर्जी होती रहे। मेरे पास जो स्किड हुआ, जो स्किडिंग की वैल्यू थी, जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थी, वो सेम रहेगी। उसकी वजह ये है क्योंकि जो मेरे पास सरफेस था वो भी सेम रहा, और जो टायर था ये जो ये रबड़ का था, ठीक है, ये भी सेम रहा, और ये कंक्रीट का था, तो दोनों क्या थे, वो थ्रू आउट द उसमें स्पीड अप और कम होते हुए सेम ही थे। तो हमने यही पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट एक ही जैसे रहते तो उसमें वो फ्रिक्शन एक ही जैसे निकल आएगी। तो यहाँ पर जो मेरे पास काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, अगर स्पीड ज्यादा हो या कम हो, रुकावट की जो वैल्यू होगी, स्किटिंग रुकावट की जो स्किट करेगा, वो सेम ही आएगा। होपफुली समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, नैरो एंड वाइड टायर। बेशक के टायर नैरो या वाइड हो, अगर वेट सेम डला हुआ उसके ऊपर, ये एक टायर नैरो टायर फर्स्ट कल, और एक ये हमारे पास वाइड टायर है, ठीक है, लेकिन इस पर भी 20 न्यूटन का वेट है और इस पर भी 20 न्यूटन का वेट है, तो बस ये हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वेट होगा वो स्प्रेड आउट हो जाएगा, क्योंकि वाइडर टायर तो स्प्रेड आउट हो जाएगा वेट, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वेट स्प्रेड आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ टायर जरा छोटा है तो जरा ज्यादा जो होगा उस पर प्रेशर से जो होगा स्प्रेड आउट होगा यहाँ पे जो वेट होगा, लेकिन जो फ्रिक्शन है वो दोनों के लिए सेम ही रहेगी, क्योंकि वेट यहाँ पे क्या है, सेम है। बात आ गई समझ? यहाँ पे भी उतनी फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी, स्किडिंग की हो या स्टैटिक की, और यहाँ पे भी उतनी ही आएगी, फ्रिक्शन चेंज नहीं हो सकती, यानी कि इससे फ्रिक्शन पे कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। अगर वेट सेम है और टायर चौड़ा हो या बड़ा हो, वेट अगर सेम है तो फ्रिक्शन उतनी ही आएगी दोनों टायरों के केसेस में। बात आ गई समझ? रुकावट उतनी ही आने वाली है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थ्रेड ऑन टायर्स देख लेते। तो हमें पता है ये टायर है, उसके अंदर आपने अगर देखा हो यूं करके थ्रेड्स डले होते हैं, अगर गौर से कभी देखा हो आपने, तो वो फ्रिक्शन को बढ़ा नहीं सकती, जो रुकावट है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है उसको वो बढ़ा नहीं सकती, बेशक ये हो या ना हो, ठीक है। ये सिर्फ ये जो थ्रेड होते हैं टायर में, ये आपको सिर्फ बारिश में आपको जो है मदद करते हैं, कि बारिश में क्या होता है कि जो पानी होता है, पानी इजीली इसके अंदर से होता है, उसको जगह मिल जाती है और वो यहाँ से क्या हो जाता है, साइड पे हो जाता है, तो पानी में ही आपको स्किडिंग से बचाता है। अदरवाइज अगर एक ड्राई सरफेस है तो उस पे क्या, उस पे आपके थ्रेड हो या ना हो, फ्रिक्शन क्या रहेगी, फ्रिक्शन
उतनी ही रहनी है। ओके, ये कीप इन माइंड। आपने अगर फॉर्मूला वन कार देखी हो जिसको हम F1 बोलते हैं, तो उसके टायर्स पे कोई भी थ्रेड नहीं होता क्योंकि उसको हम ड्राई सरफेस पे चला रहे होते हैं। तो दैट्स वाई इससे साफ जाहिर हो रहा है कि थ्रेड हो या ना, हम फ्रिक्शन को जो है इंक्रीज नहीं कर सकते अगर थ्रेड हो भी। ठीक है, सिर्फ वो क्या कर रहा होता है, वाटर को डिस्प्लेस कर रहा होता है बारिश टाइम, तो वाटर इसमें से इजिली यूं करके होता हुआ नीचे आ जाता है। बस ये इसका फायदा होता है। बाकी फिर बारिश में क्या हो जाता है, स्किडिंग करने से हम बच जाते हैं बारिश में। अदरवाइज ड्राई सरफेस पे ये हो या ना हो, ड्राई सरफेस पे ठीक है, वो फ्रिक्शन जो है हम बढ़ा नहीं सकते। अगर ये होगा तो हम ये नहीं कह सकते कि अब जो है ज्यादा अच्छी ग्रिप होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, #peaceout। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी कोई सवाल तो कॉमेंट सेशन में आके पूछ। अल्लाह हाफिज़।